हेलो, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब एमएलटी सदस्यों का जो हमारे इस एजुकेशनल कार्यों के साथ चल रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है यानी कि उद्दिष्ट है कि आप सबको एमएलटी शिक्षण में परिपूर्ण करें, ताकि अब पेशेंट की यानी कि रुग्णों की बहुत अच्छी तरह से सेवा करें और आपके इंस्टीट्यूट का नाम बढ़े। और जैसे आपके इंस्टीट्यूट यानी कि क्लिनिकल लेबोरेटरी तरक्की करे, वैसे ही आपके भी दिन बे दिन तरक्की हो। तो चलिए, आज का विषय है फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे ऑपरेट करें, कैसे चलाएं। उसके पहले मैं आपको वापस बताऊं कि फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या फ़र्क है। फोटोमीटर में टंगस्टन लैंप होता है जो सिर्फ विजिबल लाइट नैनोमीटर्स देता है, और फिल्टर्स ब्रॉड मतलब चौड़ा प्रकाश का भाग ट्रांसमिट संचारित करते हैं, और क्यूवेट्स होते हैं कांच के जो यूवी टेस्ट के काम नहीं आते। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में टंगस्टन लैंप तो होता ही है, उसके अलावा हैलोजन नहीं तो ड्यूटेरियम डिस्चार्ज का लैंप भी होता है जो यूवी लाइट, विजिबल लाइट और नज़दीक के इंफ्रारेड नैनोमीटर के लिए काम आता है। फिर इसमें जो मोनोक्रोमेटर है, जिसमें स्पेक्ट्रम और स्प्लिट यूज करके एक नैनोमीटर से लेके 4 से 6 नैनोमीटर तक लाइट, एकदम नैरो लाइट संचरित करते हैं ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। और उसके जो क्वेट्स होते हैं वो खास होते हैं जो यूवी और इंफ्रारेड लाइट के लिए एकदम अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर कुछ तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में जो खास होते हैं, उनमें 25, 30 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड का स्थिर तापमान भी मिलता है जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स बहुत ही संवेदनशील और एकदम एक्यूरेट होते हैं फोटोमीटर से, और वैसे ही खर्चे भी होते हैं फोटोमीटर से। तो चलते हैं हम देखते हैं कि ये मशीन्स ऑपरेट कैसे करते हैं। एक सेल और एक लाइट बीम फोटोमीटर। पहले मेन स्विच ऑन करें, फिर फोटोमीटर का बटन जो ऊपर बांध के नीचे दिख रहा है वह ऑन करें, इससे लाइट बल्ब चालू होगा। डिस्टिल वाटर से भरी क्यूवेट रखें, जो फिल्टर चाहिए वह फिल्टर की जगह रखें। सबसे ऊपर वाला बांध देखो, फिर जहां हाथ की उंगली दिख रही है वह बटन घुमाते फोटोमीटर का पॉइंटर दर्शक 100% ट्रांसमिटेंस यानी कि 0 ऑप्टिकल डेंसिटी पर स्थिर करें। अब रंगीन द्रव्य भरा क्यूवेट रखें और पॉइंटर यानी कि दर्शक रीडिंग दिखाएगा। यह है डिजिटल फोटोमीटर। इसमें फिल्टर्स अंदर ही फिक्स्ड है, और ऊपर का बांध देखिए, यह पार्ट घुमाकर आप जो फिल्टर चाहिए वह एडजस्ट यानी कि समायोजित कर सकते हैं। फिर क्वेट में रखकर पानी नीचे दिख रहा है वह बटन घुमाइए और 0 ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग समायोजित करें। अभी रंगीन द्रव्य भरा कर क्वेट रखें और देखिए 0.35 ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग दिख रहा है। ये तो बहुत ही इजी है ऑपरेट करने के लिए। अब स्पेक्ट्रॉनिक 20 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे चलाएं। पहले जो वेवलेंथ चाहिए वह समायोजित यानी कि एडजस्ट करें, फिर 0 ट्रांसमिटेंस समायोजित करें दाहिने तरफ के दस्ते यानी कि नॉब के साथ। अभी पानी में भरी क्यूवेट रखकर बाहिने तरफ के दस्ते से यानी कि नॉब से 100% ट्रांसमिटेंस यानी कि 0 ऑप्टिकल डेंसिटी पर दर्शक यानी कि पॉइंटर लाइए। अब रंगीन द्रव्य क्यूवेट में रखकर
ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग दिखे।